971 करोड़ की नई संसद भवन, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, लोकतंत्र के नए मंदिर की झलक, नए संसद भवन के हैरान कर देने वाले सच। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। भारतीय लोकतंत्र के नए मंदिर यानी संसद भवन की नई इमारत कई मामलों में बेमिसाल है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की निगरानी में चल रही है। इस परियोजना का मकसद सेंट्रल विस्टा की सुंदरता बढ़ाकर उसे विश्व स्तरीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाने का भी है। इस डिजाइन के लिए CPWD ने 18 अक्टूबर 2019 को मेसर्स HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को कंसल्टेंसी वर्क दिया था। अब ये फर्म सेंट्रल विस्टा क्षेत्र के मास्टर प्लान के विकास और नई जरूरतों के मुताबिक भवनों के डिजाइन पर काम कर रही है। सेंट्रल विस्टा में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नए आवास समेत एक नए त्रिकोणीय संसद भवन, एक कॉमन केंद्रीय सचिवालय और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3 किलोमीटर लंबे राजपथ, जो कि अब कर्तव्य पथ हो गया है, को नया रूप देना शामिल है। इसमें नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में बदलना और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का विकास किया जाना भी शामिल है। नई संसद, कुछ रोचक तथ्य। नई संसद भवन जिस जमीन पर बनाई गई है वहां के सभी पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, निर्माण कार्य के दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी पूरा ध्यान रखा गया। इस इमारत को बनाने में करीब 41,929 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जबकि 106,211 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल नई संसद में हुआ है। नई संसद भवन में 17,648 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। नई संसद में बिछी कालीने भदोही से हैं, जो कि हैंडमेड है, जबकि सैंडस्टोन धौलपुर से और लकड़ी की नक्काशी वाले सामान नागपुर से मंगाए गए हैं। रोजगार को बढ़ावा, श्रमिकों का पूरा ध्यान। सेंट्रल विस्टा और नई संसद की इमारत को बनाने में सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि श्रमिक कानूनों और रोजगार सृजन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस परियोजना से सीधे और परोक्ष रूप से करीब 38,94,800 रोजगार सृजित हुए हैं। ऑन साइट पर 7,737 की मैन पावर है, जबकि ऑफ साइट पर ये 1,435 की है। नई संसद को बनाने में करीब 3,867 प्रशिक्षित श्रमिक और 5,075 अर्ध प्रशिक्षित श्रमिकों का इस्तेमाल किया गया, जबकि 100% कामगारों का इंश्योरेंस कराया गया जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जबकि यहां काम करने वाले सभी 8,259 श्रमिकों का वैक्सीनेशन कोरोना काल में कराया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत अलग अलग मंत्रालयों के कार्यालयों को समायोजित करने के लिए कॉमन केंद्रीय सचिवालय के लिए 87 मंजिला भवन बनाया जाएगा। ये परियोजना संसद, मंत्रालयों और विभागों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बेहतरीन सार्वजनिक सुविधाएं देने के लिए लाई गई है। केंद्र सरकार के कार्यालय अलग अलग जगहों पर फैले हुए हैं, इससे कार्यालयों का अंतर विभागीय समावयन काफ़ी प्रभावित होता है। केंद्र सरकार के कार्यालय अलग अलग जगह होने से अनावश्यक यात्रा से भीड़भाड़ और प्रदूषण होता है। इसके बनने से लोगों को सुविधा होगी। नई इमारत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।